आओ हम सब मिलकर आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठे हो, आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठे। कमर, पीठ, गर्दन सीधी कर ले। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद ही रहनी चाहिए। आंखें खुलेंगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रखें। जो लोग ऐनक लगाते हो वो अपना चश्मा उतार के ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करते हुए ये जानते रहें सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें। बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से उसे जानते रहें। सांस बाई नासिका से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से उसे जाने। उसे बदलने की कोशिश न करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है। केवल जाने, केवल जाने। सांस लंबा है तो लंबा है, अगर सांस छोटा है तो छोटा है। उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन बीच में भटके तो इसे फिर सांस पर ले आए। भटकने ही न दे, पर अगर भटक जाए तो कोई चिंता नहीं, उसे फिर से अपने सांस पर लेकर आए।
मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें, दृढ़ता पूर्वक लगा के रखें, एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए, एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए, अपना पूरा ध्यान नासिका के दरवाजों पर टिकाए रखें। अपना पूरा ध्यान नासिका के दरवाजों पर टिकाए रखें। इस स्थान पर से गुजरते हुए सांस को जाने, सांस के आरंभ से लेकर अंत तक पूरे सांस की साफ साफ जानकारी बनी रहे। भीतर आने वाला सांस आरंभ हुआ तो जान रहे हैं आरंभ हुआ, भीतर आ रहा है, आ रहा है, अब भीतर आना बंद हुआ तो भीतर आने वाले सांस की पूरी लंबाई जान ली, आरंभ से लेकर अंत तक। यूं ही बाहर जाने वाला सांस आरंभ हुआ, बाहर जा रहा है, जा रहा है, अब बाहर जाना बंद हुआ तो बाहर जाने वाले सांस की भी पूरी लंबाई पूरी तरह से जान ली, बली भांति जान ली। यूं एक एक सांस बहुत साफ साफ मालूम होना चाहिए, आरंभ से लेकर अंत तक बहुत साफ साफ मालूम होना चाहिए। ये भीतर आने वाला सांस, ये बाहर जाने वाला सांस जैसा भी है उसे बदलने की कोशिश नहीं करें, जैसा भी है उसे जानना है, केवल जानना है। मन को दृढ़ रखना है, भटकने न पाए, केवल सांस का ही आलंबन, पूरे सांस को जानने का काम करना है। मन भटकने लगे तो तुरंत रोक लें, भटक गया तुरंत वापस ले आए, सांस ही सांस, केवल सांस, केवल सांस। भीतर आने वाला सांस के बाहर जाने वाला सांस, पूरे सांस की
जानकारी बनी रहे। ये आरंभ हुआ, ये अंत हुआ, यूं एक एक सांस की पूरी पूरी जानकारी, एक एक सांस पर पहरा लगा रहे, एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे, खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, 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 अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान, सावधान। इस ध्यान के अंत में एक मंगल मैत्री का गीत मैं गाऊंगा, आप केवल सुने और मन में सभी के लिए मंगल की भावना जगाएं, सभी प्राणियों के लिए मंगल की भावना मन में जगाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, केवल सुनना है। सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया हो रे, दृश्य और अदृश्य सभी जीवन का मंगल हो रे, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे, दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे, निर्भय और निर्वैर बने सब, निर्भय और निर्वैर बने सब, सभी निरामय हो रे, सभी निरापद हो रे,
सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। शुद्ध धर्म घर घर में जागे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति समाए रे। घर घर शांति समाए रे। नर नारी हो धर्म विहारे, सब नर नारी धर्म विहारे। घर घर सुख छा जाए रे। घर घर मंगल छाए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। साधक तेरा मंगल होवे, साधक तेरा मंगल होवे। दूर अमंगल होवे रे। बेटी तेरा मंगल होए, बेटी तेरा मंगल होए। दूर अमंगल होए रे। शुद्ध धर्म अंतर में जागे, शुद्ध धर्म अंतर में जागे। मानस निर्मल हो रे। अंतस शीतल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। भवतु सब मंगलं। भवतु सब मंगलं। भवतु सब मंगलं।
जलन साधु साधु साधु। आनापान सति ध्यान साधना यहाँ पे समाप्त होती। इस आनापान सति के ध्यान से सभी प्राणियों का, सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने इसमें भाग लिया, उसका मंगल हो, उनका कल्याण हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो, यही ईश्वरी चरण में प्रार्थना है। हरिओम।